हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो आज कुछ ही टाइम पहले जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, इसमें जो आपकी पोस्ट है, जो 6 पोस्टें हैं, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर जो ग्रुप ए में इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जी हम आपको अपने यूट्यूब के चैनल पे और टेलीग्राम के चैनल पे सबसे पहले बता रहे हैं। और अगर आप ऐसी चाहते हैं फर्दर फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स दें और सबसे पहले दें और साथ की साथ दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो आइए हम इसको बताते हैं, जो पूरा जिसका डिटेल नोटिफिकेशन, जो कैंडिडेट को सब कुछ पता होना चाहिए जिस जो फॉर्म फिल करने से पहले। तो ये सबसे पहले आपका आ गया टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें जो आपका जहाँ पे आ गया आपके मेन की पॉइंट, जहाँ पे आपका पेज नंबर। तो आप जो भी अगर आप खुद से देखना चाहते हैं, जब मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा डायरेक्टली उस पेज पे जाके देख सकते हैं। और ये आपका आ गया जो एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये 2022 का 107 है। इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आज आया है, जो 2022 का 106 था, वो हमने पहले ही आपको बता दिया है। और अगर आपने नहीं देखा वो आप जाके देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो ये जो आपका जो 6 पोस्टें हैं, जो असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, जो हमने आपको पहले बता दिया, जो आपकी डिविडेशन की गई है, जो आपकी कैटेगरी वाइज जो पोस्टों की, और जहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ रिजर्वेशन है फॉर वुमेन, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जहाँ पे कैटेगरी वाइज और जहाँ पे आपका कैटेगरी कोड। आगे फर्दर इंस्ट्रक्शन है सारी, जैसे जो गवर्नमेंट जो पोस्टों को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है विदाउट गिविंग एनी प्रीवियस नोटिस और सिलेक्शन प्रोसेस से पहले। आगे फर्दर जैसे रिजर्वेशन वुमेन के रिगार्डिंग सारी जो फर्दर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। जहाँ तक इनिशियल पे रहेगी आपकी 47,600, जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो डिग्री इन फर्स्ट क्लास, जो आपका बेसिक साइंस और लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी और मेट्रोबायोलॉजी और फर्दर आता है इन्वायरमेंट साइंस और एनी अदर रिलेटेड साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और इक्विवेलेंट पोस्ट इन इन्वायरमेंट रिलेटेड फील्ड इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जस्ट लैस जो डाला इन्होंने साथ में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए, जो आपका फर्दर जो आपके ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो जिसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो आपके मैट्रिक में ओ लेवल की, जो आपकी मैट्रिक में नहीं, जो मैट्रिक में आपको पंजाबी पास होना चाहिए, ओ लेवल जो आपका कंप्यूटर में, और साथ में जो जहाँ आपके पास जो जो भी इन्होंने दिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स, नोट में जो आपकी फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो एज, एज में जो आपका क्या रहेगा, एज में जो आपका रहेगा फर्दर वो है आपकी जो 18 से 37 साल, जो आपकी एज ऑन 1/1/2022। और आगे जो है फर्दर सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो नेक्स्ट पेज देखिए, और उसके बाद आता है आपके पास जो नेक्स्ट पे जो प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, जो 480 क्वेश्चंस रहेंगे, 480 मार्क्स रहेंगे और 120 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 540 का 60 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। पैटर्न जो रहेगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, जो आपका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो रहेगा पार्ट ए में से, आपके जो पार्ट जो इन्होंने सीधा ही लिखा हुआ है वैसे, जहाँ पे दो क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 80, 320। और उसके बाद फर्दर आता है क्वेश्चन फ्रॉम जो आपका जीके मेंटल मेटीरोलॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो है 40, 160। तो 120 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, टोटल 480 नंबर के। आगे फर्दर इंस्ट्रक्शन है जैसे नेगेटिव मार्किंग होगी रिगार्डिंग। और उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो आंसर की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद जो आता है ड्यूरेशन जो रहेगी 2 घंटे एग्जाम की, सिलेबस आप नेक्स्ट ईयर जो 7 में जाके देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा पेन पेपर बेस्ड, जो आपको OMR शीट पे जो आंसर मार्क करने होंगे। नेक्स्ट आता है जो जब आपको एडमिट कार्ड आएगा तब वहाँ पे आपको कॉल जो आपका एग्जाम सेंटर की, तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी एंड स्क्रूटनिटी ऑफ एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड टेस्टिमोनियल्स, उसके रिगार्डिंग सारी फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं। इंटरव्यू में जो फर्दर कैंडिडेट नॉट मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन, तो ऐसे सारी इंस्ट्रक्शन है। जी हाँ, आपका आ गया फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद आता है आपके पास जो नेशनलिटी रहेगी, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, जो सब्जेक्ट ऑफ भूटान, आगे फर्दर सारी इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आता है आपके पास जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो लास्ट डेट है आपकी 26/10/2022। जो आपका फर्दर है जो शेड्यूल फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म फी एंड जो आपका बाय यूजिंग ऑनलाइन मेगा अपॉइंटमेंट, वो है 4/10/2022 से 27/10/2022 जो है बाय 11:00 PM। पीछे एक आपकी एक चीज रहेगी जो क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग थी, जो फर्दर आता है आपके पास जो आपकी रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी बिफोर और बाय, वो है 26/10/2022। तो इंपॉर्टेंट नोट में था। तो इसमें फर्दर आता है आपके सेल्फ टेस्ट डॉक्यूमेंट, जो सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे, और जो आपकी फीस जो आपने भरनी है वो है आपकी SC/ST ऑफ ऑल स्टेट्स एंड BC क्लासेस ऑफ पंजाब स्टेट ओनली 750, EX सर्विसमैन ऑफ पंजाब स्टेट ओनली 500, जो आपका EWS PWD LDSM जो है आपकी 500,
उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो ऑल अदर कैटेगरी जनरल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पंजाब वार्स ऑफ फ्रीडम फाइटर उनकी है 1500। तो ये अगर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन इससे आगे कुछ पेजेस अगर आप ये खुद से देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल RS लर्नर्स पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर आप ऐसी चाहते हैं फर्दर फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग सबसे पहले और साथ ही साथ अपडेट दें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और एक बात, इसका जो अप्लाई करने का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप चाहे वीडियो देख लीजिएगा हमारी, चाहे आप हमारा डिटेल नोटिफिकेशन चाहे टेलीग्राम के चैनल पर देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।